हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी रसोई में। और दोस्तों, आज हम आपको वाइपर साफ करने की एक अच्छी सी ट्रिक बताएंगे जो बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल बिना खर्चे के वाइपर एकदम नया जैसा हो जाएगा। ये दोस्तों आप वाइपर देख रहे हैं, ये कितना गंदगी जमी है, कितना गंदा हो गया है। और ये हमारा पुराना वाइपर है, अभी हम इसको साफ करके बिल्कुल नया बना देंगे चमका के। तो दोस्तों, हमारा ये वाइपर आप देख रहे हैं, ये दोनों तरफ से कितना गंदा हो रहा है। इसके साथ ही हम ये जो बाथरूम का ये इस तरह से पटला होता है, ये देख रहे हो कितना पीला पीला हो गया है, इसको भी हम आज साफ करके दिखाएंगे। और बिल्कुल कम खर्चे में, यानी खर्चा ना के बराबर है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इसको साफ करने के लिए मैंने इस तरह का कपड़े वाला एक कोई ब्रश लिया है, जो ब्रश बेकार हो, जिसको आप यूज नहीं करते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने कपड़े धोने वाला साबुन लिया है, आप जो साबुन यूज कर सकते हैं, आप जो करते हो आप उससे कर ले। तो इस तरह से हम इसमें ब्रश में इस तरह से साबुन लगाएंगे। और साबुन लगाने के बाद इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, पानी से इसको गीला करेंगे। और गीला करने के बाद इस तरह से रगड़ेंगे। ये दोस्तों हमारा रेन साबुन है, आप जो साबुन यूज करते हो आप उससे इसको साफ कर सकते हैं। ये एक तरफ हो गया है, अब इसी गुरु से हम दूसरी तरफ भी इस तरह इसको रगड़ कर साफ करेंगे। ये देखिए, हमारा एक मिनट में वाइपर साफ हो गया है। और दोस्तों, इसको साफ करने से पहले आप इसको थोड़ी देर गीला कर लें। गीला करने से क्या होगा, जो मैल होता है वो अच्छे से हमारा फूल जाएगा। और देखिए, दोनों तरफ हम आपको दिखा देते हैं, ये कितना अच्छे से एकदम बिल्कुल नया जैसा हो गया है। अब इसी तरह से हम आपको ये पटला साफ करके दिखाएंगे। उसी तरह से हमें साबुन लेना है इस तरह ब्रश में, और इसको पहले से हमें हल्का सा इस तरह पानी में गीला कर लें। और गीला करने के बाद इस तरह चारों तरफ हमें ऐसे रगड़ना है। मैंने चारों तरफ इस तरह से ब्रश घुमाते हुए इसको रगड़ लिया है। और जहां पे अगर ब्रश ना जा पाए तो इस तरह से हाथ में साबुन लगा के इस तरह से आप इसको अच्छे से रगड़ें। और दोस्तों, पानी से इसको गीला जरूर कर लें, क्योंकि मैल जब फूल जाएगा तभी ये साफ होगा। अगर आप तुरंत साफ करेंगे तो रगड़ना भी ज्यादा पड़ेगा और मैल भी अच्छे से क्लीन नहीं होगा। तो इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल नया जैसा निकल गया है, एकदम साफ हो गया है। और दोस्तों, ब्रश से रगड़ने से क्या, जो हमारे ये इस तरह से फूल होते हैं, जो प्रिंट बना होता है वो भी बना रहता है, और पटला भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैंने इसको आगे पीछे दोनों तरफ ये देखिए, मैंने पीछे और आगे साइड में ये कितना एकदम नए जैसा हो गया है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।